मुसल्लत हो गए, उनकी नूहों को हड़प कर जा, उनकी नूहों को हड़प कर जा। ऐ दुनिया जुल्मत के हाकिमों, अपने मुखालफीन पर गलबा पाकर उन्हें तो नबूद कर दे, कौन उसे भी जिसने तुझे सजदे नहीं किए और न ही करेगा। मैं तेरे मुअक्किलों को पुकारता हूँ, पुकारता हूँ। तकरीबन 3000 साल कबल खुदावंद मुताल ने एक बार फिर अपने साले बंदों में से एक सुलेमान इब्न दाऊद को अपना पयाम्बर मुंतखब किया, ताकि वो बनी इसराइल को हक़ो इतदाल की जानिब दावत दें। सलाम। तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले हैं। आओ आओ बैठ जाओ। सलाम 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 अजीजान मन। लोग कहते हैं जब आप तन्हाई में बैठे हों तो आपकी तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी मुखल नहीं हुए। आओ बैठो, बैठ जाओ। जब मैं तुम लोगों जितना था तो अपने बाबा दाऊद नबी के हमरा यहां आया करता था। वो इसी पत्थर पर बैठा करते थे और नहायत खुश लहनी के साथ आयत ज़बूर की तिलावत फरमाते थे, और तमाम पहाड़ और परिंदे उनके हम आवाज हो जाया करते थे। क्या परिंदे आपके साथ भी बातें करते हैं? परिंदे? भाई, तमाम लोग तैयार हैं। क्या यही हमारी बात चाहें जो तशरीफ ला रहे हैं? दुरूद बर सुलेमान नबी, दुरूद बर सुलेमान नबी, दुरूद बर सुलेमान नबी, दुरूद बर सुलेमान नबी के फजल पर खुदा का दुरूद हो, दुरूद बर सुलेमान नबी।
आपकी दुआ से इस साल हमारी फसल पिछले साल से ज्यादा हुई है। पैगंबर खुदा फसल की कटाई से पहले दुआ नहीं फरमाएंगे। खुदावंद इस दिन को बहुत पसंद फरमाता है, वो दिन के जब इंसान खुद अपना बोया हुआ काटता है और हर वो चीज काटता है जो उसने बोई होती है। परवरदिगारा, इस जमीन पर खैर बरकत नाजिल फरमा और यकता परस्ती की तरवीज में हमारी मदद फरमा। आओ बाइज़ने इलाही शुरू करते हैं। सलाम। सलाम सलाम मेरे वाली। आपने बड़ी जहमत की। मरियम अजीज़े जान, आपने क्यों जहमत की? मेरा दिल ही नहीं माना। ये साल कितनी रहमतों और बरकतों वाला है। हाँ वाकई ये सब खुदा की लुत्फ इनायत है। क्या माजरा है? जो कुछ भी है वो है यहीं पर।